वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे दोस्तों आपके अपने शेविंग चैनल दिव्यशेव्स में। सो चलिए शुरुआत करते हैं आज की शेविंग की। ना आज जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज करूंगा उसके बारे में अपना यूजर एक्सपीरियंस और उनके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उसी समय बताऊंगा। तो चलिए देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। नाउ टुडे आई एम यूजिंग सिंथॉल शेव प्लस फेस वॉश। सो जैसे आपको पता लग ही गया होगा कि ये एक शेविंग क्रीम भी है और साथ ही साथ आप इसका इस्तेमाल फेस वॉश के तरीके से भी यूज कर सकते हैं। सो हाल ही में मैंने ये खरीदा और दिस इज कूल वेव और एज पर द कंपनी इट प्रोवाइड सुपीरियर ग्लाइड, इट रिमूव्स एक्सेस ऑफ ऑयल एंड इट हैज दैट आईसी कूल मेंथल। नाउ इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसमें मोस्टली वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो नॉर्मली इस तरह की शेविंग क्रीम्स में यूज होते हैं। इसमें वाटर है, स्टेरिक एसिड, पामेटिक एसिड, मिस्टेरिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम लॉरियस सल्फेट जो कि लादर क्रिएट करता है इत्यादि। सो एवरीथिंग वेरी मच इज द सेम, बट वॉट आई रियली लाइक अबाउट दिस शेविंग क्रीम इज दैट इट हैज फैंटास्टिक स्मेल। थोड़ी सी स्पोर्टी, थोड़ी सी लेमनिश, सिट्रसी, कूल, उन सब का एक ब्लेंड है। सो लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स टुडे। बाकी की चीजें मैं बाद में बताता हूं आपको। सो लेट मी वॉश माय फेस। ऑफ कोर्स आई एम यूजिंग वार्म वाटर। और मैंने अभी अभी फेस वॉश भी किया है इसी शेविंग क्रीम से। सो लेट मी टक इन एज यूजुअल माय कॉलर। सो शेविंग ब्रश आई एम यूजिंग रोमा 7 सिंथेटिक ब्रश। So this is light blue color and this is the texture. थोड़ा सा जेल जैसा फॉर्म लग रहा है। So गोदरेज सिंथॉल जो है ये शेविंग क्रीम्स भी बनाते हैं, आपको पता ही है। फ्रेश लाइम है, एक रेड वाली क्लासिक है इनकी। Let's start creating the lather. अच्छी स्मेल है, एक्वस बेस स्मेल, थोड़े से नोट्स इसमें सिट्रसी हैं और काफी रिफ्रेशिंग स्मेल है इसकी। सो मैंने 2-3 बार इस शेविंग क्रीम और फेस वॉश को केवल एज अ फेस वॉश यूज किया है। एज अ शेविंग क्रीम आई एम यूजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे। नाउ ये जो शेविंग क्रीम और फेस वॉश है सिंथॉल के, ये दूसरे फ्रेग्रेंस में भी आते हैं लाइम में और एक सेंसिटिव स्किन के लिए, तो उनके बारे में रिव्यूज में कभी बाद में बताऊंगा आपको। सो एज यू कैन सी बहुत अच्छा लादर क्रिएट हुआ बहुत कम टाइम में।
सो मैं फिर से कहूंगा कि बिफोर यू स्टार्ट शेविंग, एक पूर्व तैयारी, एक प्री शेव प्रिपरेशन इज मस्ट. सो ऑलवेज वॉश योर फेस इफ पॉसिबल विथ वॉर्म वाटर. इट विल हेल्प यू रिमूव ऑल द ग्राइम. अगर आप दिन में शेव करते हो या कभी कभी स्किन ऑयली होती है, वो ऑयल को रिमूव कर देती है. आपकी जो बियर्ड होती है वो काफ़ी सॉफ्ट और सफल हो जाती है. सो आफ्टर दैट यू मस्ट क्रिएट गुड लादर. टेक सम टाइम. सो वेट शेविंग और कुछ नहीं है, अपने आप को थोड़ा समय देना और उस स्टेट ऑफ बीइंग को एंजॉय करना. सो इसे एज अ वेट शेविंग को एज अ हॉबी मान के चलिए, एज अ रूटीन बिल्कुल मत मान के चलिए, तो आप वाकई में इसको एंजॉय करोगे. फंटास्टिक लादर. So I think that's enough. So the razor which I am using today, आज का जो razor है वो Roma 7 R1 razor, closed comb razor. इसके बारे में मैं पहले भी अपने reviews बता चुका हूँ. बहुत ही किफायती दाम में बहुत ही बेहतरीन value provide करता है ये razor. और इसके साथ आज मैं यूज़ करूँगा RK का ब्लेड. ना अपने शेविंग चैनल में मैं आज पहली बार इस ब्लेड का इस्तेमाल कर रहा हूँ. और RK जो है ये एक बहुत ही पॉपुलर आरके जो है ये बहुत ही पॉपुलर ब्लेड है अमंग द बाबर्स. और इसको जितनी बार भी मैंने इस्तेमाल किया है, एक खास बात इसकी ये है कि तो ये बहुत ही किफ़ायती है, बहुत सस्ता है. और एक जो शेव है ये बड़े आराम से निकालता है. तो मैं तो इससे दो शेव भी आराम से निकाल लेता हूँ. और जिस प्राइस पे ये आता है उस हिसाब से इसका परफॉर्मेंस, हाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का ये ब्लेड है, बट आपको पता नहीं कैसे ये सेटिस्फाई कर देता है. तो RK इज़ अ गुड ब्लेड. इट्स अ वैल्यू फॉर मनी ब्लेड. सो मैंने इसको गर्म पानी में भिगो दिया है. सो नाउ आई कैन सी इट इज वॉर्म. सो वॉर्म रेजर को चलाने का भी एक मजा अलग ही है. चलिए आज की जो स्ट्रगल थी मेरी 3 दिन पुरानी है. कई लोगों को डाउट हो जाता है मेरे चेहरे को देख के कि सर ये स्टबल सीधे ही आप दिखा देते हो और उसके बाद कहीं और रेजर तो नहीं मारते हो, क्योंकि बड़ा ही चिकना नजर आता है चेहरा आपका. तो भैया मैं आपको फिर से रिमूव करके दिखा दूं. ये सारे बाल हैं मेरे. इफ यू कैन सी ये सब बाल मैं बिल्कुल भैया आपको अपने अनुभव बिल्कुल जेन्युइन शो करता हूँ. तो अभी हाल ही में एक मेरे सब्सक्राइबर मित्र भाई ने ऐसा कहा मेरे को. मैं कहा नहीं जी बिल्कुल. तो 3 दिन वाकई में 3 दिन पुरानी दाढ़ी है ये. चलिए
एज यूजुअल लाइट जेंटल शॉर्ट स्ट्रोक्स रेजर पे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा प्रेशर मत बनाइए। सो ये आरके का जो ब्लेड है आपको किसी भी लोकल शेविंग रिलेटेड शॉप में या रिटेल शॉप में आपको आसानी से मिल जाएगा। सो यस इट हैज परफॉर्म्ड वेल अप टू माय सेटिस्फेक्शन। इस ब्लेड ने इस रेजर के साथ मिलकर बड़ा अच्छा काम किया, नो डाउट अबाउट इट। ये जो रोमा 7 का जो आर्बन रेजर है ये काफी कुछ मेरे को सिमिलर लगता है पर्ल के A141 रेजर से। एक्वस स्मेल है इसकी 100%। Going across the grain, second pass. As usual, छोटे-छोटे strokes. मैं normally skin ऐसे lift करता हूँ, कई लोग नहीं भी करते, but I think that lifting skin like this gives me a more satisfactory shave. तो ये जो एरिया है मेरा ये थोड़ा सा ट्रबल स्पॉट कहलाता है मेरे लिए ऑफकोर्स। और मैंने देख सुना है और काफी लोगों से बात भी की है तो उनसे पता लगा कि उनका भी ये एरिया और ये वाला एरिया थोड़ा सा ट्रबल स्पॉट रहता है। अच्छा फीडबैक आपको शायद आवाज आ रही होगी। नेक पार्ट आई एम गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन एज यूजुअल। हाँ ये जो ब्लेड है ये यहाँ चलाने में उतना स्मूथ मेरे को नहीं लग रहा है बीइंग ऑनेस्ट।
कंपेयर टू जिलेट का जो विल्कनसन ब्लेड आता है या फिर सुपरमैक्स प्लैटिनम सीरीज का जो ब्लेड है, वो यहाँ पे ग्लाइड ज़्यादा बेटर करता है। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को रफ लगा है। तो अगेंस्ट द ग्रेन चलने में दैट स्मूथनेस इज जस्ट मिसिंग। वो मैंने पहले ही कहा, एक शेप के लिए काफी है, उसके बाद आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। परफेक्टली फाइन, आई एम टोटली सेटिस्फाइड एलन। बिल्कुल भी जलन का एहसास नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ब्लेड ने कमाल अच्छा किया है। बट यहां लग रही है हल्की हल्की, जहां पे मैंने अगेंस्ट द ग्रेन शेव की नेक एरिया में यहाँ हल्का सा इरिटेशन है, लाइट बर्निंग, बट यहां पे बिल्कुल नहीं। फैंटास्टिक। सो वेरी नाइस, वेरी स्मूथ शेप। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस शेविंग क्रीम एंड फेस वॉश। तो पोस्ट शेव में आज कुछ नहीं करने का है, केवल आफ्टर शेव लोशन। एंड फॉर दिस आई एम यूजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे, यस यू हैव सीन राइट, एडिडास बोलते हैं, एडिडास बोलते हैं, इट्स अ जर्मन कंपनी, यू ऑलरेडी नो, फेमस, पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर स्पोर्ट्स। सो थोड़ा सा आज की शुरुआत स्पोर्टी फील के साथ की जाए, क्योंकि जो इसके फ्रेग्रेंस के जो नोट्स हैं वो काफ़ी कुछ इस शेविंग क्रीम के साथ मैच करते हैं। सो आई एम यूजिंग इट टूडे। और इनके इसके अंदर जो इन्ग्रीडियंट्स हैं, ये दिस इज डी नेचर्ड अल्कोहल, और उसी के साथ इसमें फ्रेगरेंस है, एक्वा है, और जो नॉर्मल आफ्टर शेव लोशंस होते हैं उसी तरह के इन्ग्रीडियंट्स हैं, तो वो मैं पढ़ के बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो वेरी नाइस, so this must be enough. So हल्का हल्का बर्निंग सेंसेशन है, बट ऑसम फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। बहुत तेज स्मेल नहीं है, बहुत ओवरवेलमिंग स्मेल नहीं है, अगर एक वो जो आपने स्पोर्ट्स रिलेटेड अगर आपने यूज़ किए होंगे आफ्टर शेव या कोलोन, उस तरह की कोलोनी स्मेल है इसकी। और एक बिल्कुल एक बॉडी शॉप का स्पोर्ट्स वाइट मस्क करके जो फ्रेग्रेंस है उससे काफ़ी कुछ ये मैच कर रही है, एंड दैट बॉडी शॉप वाइट मस्क इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स, तो उससे काफ़ी मैच कर रही है। एंड यस, इट्स वेरी सूदिंग, वेरी कामिंग इफेक्ट ऑन द स्किन। So I really like this. So for aftershave, I can easily recommend this. You are not going to repent, or I will say that you are going to enjoy with this aftershave. And it is easily available. मैं इसका description मैं डाल दूंगा description box में, आप देख लीजिएगा. So what about this? It's again a value for money product. I think it cost me
115 रुपए की ये शेविंग क्रीम और फेस वॉश है, दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो। फेस वॉश के रूप में मैंने पहले भी यूज किया है एंड आई एम सेटिस्फाइड फॉर इट, और आज पहली बार मैंने शेविंग में इस्तेमाल किया, सच में मजा आया। यस रेजर, सो अब इसके बारे में एज यूजुअल फिर मैं ये नहीं बोलूंगा, वन ऑफ माय फेवरेट्स इज यस इट्स अ फैंटास्टिक रेजर, इट्स अ वेरी गुड रेजर, वैल्यू फॉर मनी रेजर। रोमा 7 के बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो पर्ल का A141 है उसी से सिमिलर इसकी फिट एंड फिनिश भी है, बट नीचे का बेस थोड़ा डिफरेंट है। अदरवाइज इट्स माइल्ड टू मीडियम, इट्स नॉट एट ऑल एग्रेसिव, इट्स अ माइल्ड टू मीडियम क्लोज कॉम रेजर। आरकेएस ब्लेड आई थिंक फॉर वन टाइम यूज दे आर गुड, और एक बार इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छे हैं ये ब्लेड, वैल्यू फॉर मनी ब्लेड्स, नो डाउट अबाउट दैट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोमस 7 सिंथेटिक ब्रश, फैंटास्टिक लादरिंग एक्सपीरियंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू सून, जय हिंद।